बंद होगी बाइक, बंद होगी। कौन है भाई? हेलो भाई, हेलो हेलो। हाँ दोस्त, हेलो। यो यो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हो आपका अपना गौरव जोन। तो आज अपन बनाने जा रहे हैं हॉन्टेड व्लॉग, बहुत दिनों बाद। हाय अबूसा से चल रहा हूँ, देखते हैं भाई अपने घर वाले क्या कर रहे हैं। भाई पड़े हैं भाई, यहाँ चल रही है प्राण प्रतिष्ठा। ये भाई साहब हमारे डॉलर यहाँ सो रहे हैं, वो भी हमारी। तो भाई अपन ने शूज वूज पहन लिए, तो ये हमारा बालक लावा, हायाबूसा की चाबी, हेलमेट। तो भाई अभी अपन आ गए हैं पार्किंग में, लाइट वाइट जलाऊं पहले तो। ए, तेरी लाइट ही नहीं जल रही। तो ये अपनी हायाबूसा, इसको स्टार्ट करते, वो अपनी थार खड़ी है ओला स्कूटर, और ये अपनी खड़ी है भाई टियागो। तो भाई हायाबूसा पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई, अब इसको नीचे उतारते हैं। हाँ कुछ भी नहीं है, पीछे उतर जा, उतर जा मेरी लाडो। तो भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, अपन जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के, परमानेंट नहीं, बस कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए। अब मैं जा रहा हूँ अपने गांव, और मैं गांव ही रहूंगा। और मैं गांव क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की, जो मेरा एक भाई दुबई में रहता है, मतलब मेरी एक मौसी के दो लड़के हैं, ठीक है, एक लड़का दुबई में रहता है, एक मथुरा में रहता है, जो मेरी मथुरा वाली मौसी है, जो मेरे साथ कोटा गई थी और हर जगह जाती है, तो उनके दोनों बेटों की शादी है। एक की 4 की है, एक की है करीब 14 की, मतलब 10 दिन बाद। तो मैं जा रहा हूँ, 2 तारीख को निकल जाऊंगा, और मथुरा जा रहा हूँ, और मथुरा ही रहूंगा। भाई लोगों के रिएक्शन देखो, होय 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 भूसा पे भाई, क्या रिएक्शन आते हैं भाई। अरे वाह भाई वाह, हाय भूसा मेरी जान, ये देखो हर आदमी देख रहा भाई यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। कैसा बच्चे? बस भाई घर जा रहे हैं, घर बस भाई बिजी रहते हैं। चलो ध्यान से जाओ बच्चे, हेलमेट लगा लो। इसका पूरा ना पेंट चेंज करने वाला हूँ मैं, वाइट ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को ऐसी बाइक बनानी है, मेरे को पहचान बनानी है अपनी बाइक की। 3 कलर मैं स्क्रीन पर पॉपअप कर रहा हूँ, तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, 1, 2 या 3 कमेंट डाउन ब्लू। वैसे ही पेंट करा लेंगे, रैप नहीं कराने वाला मैं, पेंट ही कराने वाला हूँ। तो भाई अभी अपन मनीषा को लेने आ गए हैं, तो मनीषा को अपन ने नीचे बुलाया है। ये रही आग सेक रही, आग आग सेक रही हो तुम। तो भाई हाथ सेको भाई, भाई तुम्हारी नौकरी सही है, हाथ सेकने की है भाई। मजाक नहीं करता, आज मेरा व्लॉग नहीं बना, तो मैंने कल वाला व्लॉग नहीं था, मैंने क्या करूँ क्या करूँ, आज मैं पूरे दिन सोच रहा, मैंने चलो आज वांटेड व्लॉग बनाते हैं अभी चले। नहीं नहीं यार चलो, सही में कह रहा हूँ, चलो। अभी मनीषा को बैठा के अपन पका रहे हैं, ये क्या कोई ना मजे लो नहीं पीछे से पता नहीं क्या बोले यार, इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही भाई, कट मार रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है उस समय। कोई ना उड़ जाओ, हवा में उड़ जाओ, और मेरे को भी उड़ने दो। तो भाई अभी अपन आ गए हैं भाई के पास, तो ये भाई इन्हीं का जिम है, 1 मिलियन जिम। तो भाई पहले खा रहे हैं भाई, घंटे से बैठे हैं, पहले ये बताएंगे, अभी बता रहे थे 3 घंटे से सिर्फ खाना खा रहे हो भाई, 3 घंटे तो खाया है ना तुम्हारे इंतजार में। मैं सोच रहा मेरी लुगाई आ रही है, तो खाने का यार इस बंदे से मैं भाई परेशान हूँ। भाई आज का सीन ऐसा है, अपन जा रहे हैं एक हॉन्टेड जगह, तुम जाओगे गाड़ी से अकेले, मैं जाऊंगा बाइक से अकेले, और देखे मेरी मेरी फट रही है। नहीं नहीं यार मैं हूँ ना, कह रहा तुम्हारी गाड़ी में चुड़ैल आके बैठ जाएगी। तो भाई हो सकता है बाइक पे आके बैठ जाए, देखेंगे जिसके पास आके बैठगी उसको चुम्मी देनी है चुड़ैल। कोई सेंस है इस बात की? तो भाई अभी अपन आ गए हैं भाई के जिम, 1 मिलियन जिम। तो भाई अपनी भूसा यहाँ खड़ी कर दी है। भाई कहाँ है वो Z900 जो अपन ने डिलीवरी ली थी घर पे? अपनी चमक चलो, ये खड़ी हमारी, ये छोटी सी गजब। तो भाई कोई विकासपुरी में रहता है तो इनके जिम को ज्वाइन कर सकता है, बेस्ट जिम है, मेरे घर के पास हो तो मैं तो यही आऊँ। तो भाई यहाँ तो प्रोटीन कोई लेके भाग लेगा भाई यहाँ से, तो ऐसे कैसे कैमरा लगा रहे भाई? तो वो सिक्योरिटी कैमरा उठाओ, देखो ट्यून 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 कैसे बजेगा, उठा के देखो।
तो भाई जिम तो बड़ा सही है यार, सेक्सी सा। सेक्सी सा कपड़े उतारे हो। तो यहाँ से होती है एंट्री। तो भाई भाई ने टेबल टेनिस भी लगा रखी है भाई जिम में। तो भाई ये है जिम, ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे सर वो कार्डियो वार्डियो सेक्शन है। कार्डियो सेक्शन है और अंदर जुम्बा है क्या भाई? हाँ जुम्बा होता है यहाँ पे, योगा जुम्बा वगैरह। अच्छा तो भाई इनके जिम में पहली बार ओपनिंग में आया था काइग्रीन। दे देना क्लिप चला दूंगा ब्लॉग में, यहाँ भी बुला लेंगे तुम बोलो तो। अरे यहाँ तो मैं आ गया ना भाई, मेरी मासी का बेटा काला ज्यादा काला रह गया वो। तो मौसी धूप में घूमती थी क्या? करो एक्सरसाइज, चलो पुशअप पुशअप लगाओ 15। चलो दोनों भाई साथ करते हैं। इन्होंने मेरे को 4 साल पहले चैलेंज दिया था। कितने चैलेंज, कितने पुशअप्स? ये भाई ने पता नहीं क्या बोला था, मैं 100, 200, 400, 500 पुशअप्स मार दूंगा। मार दो पर पुशअप 10,000 रुपए दूंगा। आ जाओ भाई। तुम्हारे भाई का तुम्हें भी याद है 5 साल पहले? हाँ तुम्हारे भाई की लगी थी फ्लाइंग बीच से। अच्छा देखे तुम लोग, देखा मार दिया। फिर तुम्हारे भाई ने हराया था पुशअप में। आज 100 के बाद जितनी मारोगे पर पुशअप 1,000 रुपए। 100 के बाद जितनी मारोगे। अबे 100 नहीं लग पाएगी यार, 110 मार दो 10,000 रुपए भी। अबे अभी आजकल तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, कितनी मार दो तबीयत खराब है यहाँ पे। पुशअप्स मारता है तो भाई मारने लगा है। 100 पुशअप्स चैलेंज एक्सेप्टेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलो चलो 9 ही है अभी तो, 10 90 रहती है भाई, ये तो तुम्हारी हालत ही खराब हो गई। 90 सुन गई तक। तो भाई अभी अपन ना भाई इनकी एक रील थी भाई, भाई कितनी गई वो रील? 11 मिलियन गई है भाई। और वही रील बनाएंगे और भाई तुम देखना भाई बंदे का दिमाग कितना टैलेंटेड है सिर्फ जिम के मामले में। उसा एरी भाई की गाड़ी एरी। तो हम तीनों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? डेली कैंट और डेली कैंट की स्टोरी में बाइक पे बैठे बैठे चला दो। चलो चलते आ जाओ भाई। मैंने कभी ना डेली कैंट पे व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि वो सबसे हॉन्टेड जगह है भाई, मेरी तो इतनी फटती थी। बट आज मैं बैठा था बोर हो रहा था, मैंने क्या करे तो बहुत से लोग मेरे से बोलते कि भाई हम आपके हॉन्टेड व्लॉग के दीवाने हैं। तो मैंने चलो फिर लगे आज यही निपटाते हैं। तो भाई बड़ी हिम्मत करके जा रहा हूँ मैं भगवान जी के हाथ पैर जोड़ के। तो सबसे पहले सीन में बताता हूँ डेली कैंट की क्या स्टोरी है भाई। तो डेली कैंट एक जगह है, वो पूरा आर्मी एरिया और वहाँ पे ना एक कहावत है, वहाँ सिमेट्री भी है भाई। वहाँ ना अंग्रेजों के टाइम पे बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, काफ़ी लाशें वहाँ थी और सिमेट्री, हमारे काफ़ी जवानों ने भी जान दी थी वहाँ पे। और वहाँ की एक कहावत है कि वहाँ पे ना कोई चुड़ैल का साया है वहाँ पे। अगर कोई बाइक या कोई गाड़ी जाती है ना अकेले तो एक चुड़ैल लिफ्ट मांगती है उससे, और जैसी बंदा उसको लिफ्ट देगा तो बगल में बैठ के उसका गला काट देती है। और ऐसी वारदातें हुई भी हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे ना डेली कैंट हॉन्टेड प्लेस तो रैंक करेगी मेरे ख्याल से इंडिया में नंबर वन प्लेस पे वही आती है, वो सॉरी दिल्ली में नंबर वन प्लेस पे डेली कैंट वाली। ये रही गाड़ी, तो वहाँ फाटक लगा था तो अपन अंदर वाली रोड से जा रहे हैं। ये रही अंदर वाली रोड, आ जाओ भाई। तो भाई ये देखो ये पूरी रोड ना भाई ऐसी है, पूरी सुनसान रोड है। इस रोड पे कहीं भी अपने को चुड़ैल दिख सकती है भाई। अब अपन अंदर अंदर आ गए हैं। वैसे तो पूरा कैंट एरिया है, सेफ एरिया है, बट चुड़ैलों का कुछ नहीं कह सकते ना भाई। अरे यार ये गेट कैसे बंद है भाई? ग्राउंड देखो कितना मस्त है। आपको पता नहीं क्या हो गया, अपने आप जल बुझ रही है। ये देखो अपने आप जल बुझ रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये देखो मेरे दोनों हाथ ठीक। तो ये देखो भाई मेरी देखो हायाबूसा की लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है, डिस्टॉर्टेड सी हो रही है, जल रही है, बुझ रही है। देखो मेरा हाथ भी नहीं है। और देखो अपने आप बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी। ये देखो अभी भी बंदी है, बंदी। और जबकि यहाँ सिग्नल आ रहा है देखो। ओ भाई मेरी हायाबूसा की लाइट को क्या हो गया? एक बारी क्लच दबा के देखता हूँ, ये सिर्फ देखना। बंद बंद लाइट बंद भाई। तो भाई मेरे राइट साइड में सिमेट्री है और अपन चलते हैं, अब अपनी बारी है। तो सीधे सीधे मैं चल रहा हूँ भाई भगवान का नाम लेके। यार ये लाइट को क्या हो गया? देखो हाथ मेरा ये अपने आप जल रही है, बुझ रही है। ये देखो थोड़ा स्पीड में करता हूँ।
ये देखो भाई अपने आप जल्दी गुजरी है, मेरे दोनों हाथ ही रे, पता नहीं भाई क्या फसल। ये देखो पीछे भी कोई दिख नहीं रहा, तो चलते जा रहे अपन। ओए 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 फिर लाइट पर अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। ओ बंद होगी बाइक, बंद होगी। ऑन करता हूँ, ऑन नहीं हो रही। शिट यार बाइक ऑन नहीं हो रही। फिर से एक और बारी सेल्फ लेके देखता हूँ। अरे यार कॉल करता हूँ उन्हें यार, कहाँ रह गए। तो भाई ये देखो पूरा सुनसान एरिया है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई हेल्प के लिए नहीं है। मेरे को शायद वापस जाना पड़ेगा। ओह शिट कुछ कोई है यार, चल के देखूं कोई है। हेलो कोई है क्या? वहाँ कोई बैठा है। कौन है भाई, कौन है रे भाई? हेलो भाई, हेलो हेलो। हाँ दोस्त, हेलो भाई, ठीक है भाई? दोस्त दोस्त भाई मेरी बाइक बंद हो गई थी यार, कोई आसपास मिलेगा? भाई मेरे रूम देखो, देखो कौन था वहां। गाड़ी आ गई भाई, रुको भाई कोई है? भाई मेरी बाइक बंद हो गई थी, वहां कोई है यार? वहां बाइक के पास कोई है? अबे मेरी बाइक बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही यार, पता नहीं यार। भाई चल रहे हैं भाई, अंदर चल रहे हैं भाई। भाई कोई भी तो नहीं है यार। भाई आओ देखो कोई है यार, कोई है, आओ मेरी बात मानो, आओ। अभी यहाँ तक कोई आया था, ये देखो इस जगह तक। भाई इस गेट के पीछे था एक बंदा, भागा है मेरे पीछे यार, अब पता नहीं कहाँ है। देखो बाइक वो मेरी वहाँ खड़ी दिख रही है सामने, ये देखो वो रही मेरी बाइक। यहीं रोको बस, यहाँ है बंदा, आओ आओ मेरे साथ आओ। ये देखो यहाँ है बंदा, आओ भाई यहाँ कोई बंदा है भाई, यहाँ पे था, इस जगह बैठा था कोई। आओ सच में आवाज आ रही है, मेरे को डर लग रहा है। भाई देखो इस जगह कोई बैठा था, ये देखो सामान भी पड़ा भाई। भाई ये देखो चलो ये रहा, ये तो ये कोई खड़ा ना, देखो ये रहा, ये सफेद सा कौन है? अरे ये सफेद सा कौन है, देखो ना। अरे वो दुखना, ये रहा सफेद सा, ये कोई खड़ा तो है। गौरव मुझे डर लग रहा है। चलो भाई भागो 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 भागो। तो भाई सीन ऐसा है, दिमाग खराब हो गया मेरा भाई, वहाँ क्या था भाई, बट बाइक स्टार्ट नहीं हो रही यार, पता नहीं क्या हो गया यार। अरे नहीं सारे साथ चलेंगे भाई, लगी हुई है यार। अरे जरा पीछे देखते हो भाई, देखो भाई पता नहीं स्टार्ट ही नहीं हो रही। निकले भाई निकले फिर फटाफट, ठीक है फटाफट आ जाओ आ जाओ, बाहर में बाहर मिलते फाटक पे। भाई फिर से मैं देख रहा हूँ कोई नहीं है, चलो चलो आ रहा हूँ। तो बाइक स्टार्ट, भाई जब मैंने स्टार्ट करी तब तो हुई नहीं, अब पता नहीं कैसे। बाइक यार बिल्कुल ओके चल रही है यार, अब उस टाइम पता नहीं क्या अचानक डर लग रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। चलो बाहर मिलते हैं। तो मनीषा सही में बंद हो गई थी यार, कसम से
वीडियो इतनी ज्यादा सीरियस हो जाएगी मेरे को नहीं पता था यार, बट मेरे समझ से परे है यार ये क्या देख लिया मैंने यार। तो भाई सीन ऐसा है, इस हायाबूसा को अभी मैं घर पे खड़ी कर दूंगा क्योंकि इसकी जो लाइट है ना हेडलाइट, अब वो परमानेंटली प्रॉब्लम दे रही है। जब मैं घर से निकला था तब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी इसने, अब ये प्रॉब्लम दे रही है। मेरे को जाना है गाँव अपने है ना शादी में, तो मैं सोच रहा इसको घर खड़ी कर दूँ, ज़्यादा ना चलाऊँ क्योंकि हो सकता, देखो देखो झटके में लाइट जल रही है ऑफ हो रही है, पता नहीं क्या जो मेरी बाइक बंद हुई वहाँ हॉन्टेड प्लेस में, हो सकता है इसमें कोई वायरिंग इशू है तो उस वजह से अटक गई हो क्योंकि लाइट में भी आ रहा है। अब जो भी होगा कि इस हॉन्टेड है किसी की वजह से हुआ है या कैसे हुआ है, बट पहले नहीं थी प्रॉब्लम, आपने देखा वहीं जाके हुई है ये प्रॉब्लम। तो अब मैं इसको घर पे खड़ी कर दूंगा, ज़्यादा नहीं चलाता, और अपनी टियागो लेके कुछ खाने चलते हैं। भाई मैं ना बहुत दिमाग ख़राब हो गया, और इस फुटेज ना स्लो मोशन करके देखूंगा वो बंदा था कौन, कोई भूत था या कोई नशेड़ी था या क्या था, लूटने उठने वाला था। रात के बज रहे हैं 2-3, ये देखो 2-3 बज रहे हैं, कसम से यार मूड ऑफ हो गया। तो भाई मैंने अपनी थार और ये है उसे यहीं खड़ी कर दिया, मैं टियागो लेके चल रहा हूँ कुछ खाने, यार मेरा मूड है ना इतना ऑफ हो रखा है मैं क्या बोलूँ, मैंने नींद तो ऐसे आएगी नहीं, सदमा सा बैठ गया। तो बाहर घूम के आते हैं कुछ खा के आते हैं। तो भाई अभी अपन निकल गए हैं कुछ खाने, भूख लग रही थी तो अपन इंडिया गेट के आसपास घूम रहे थे अभी। वो आदमी कर क्या रहा था, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी रात को वो आदमी कर क्या रहा था वहाँ। ये देखो भाई इंडिया गेट कितना सुंदर लग रहा है भाई, लोग अभी भी फोटो वोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे देख रहे हो, और वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं। पता नहीं क्या लोगों को चस्का है रात को घूमने का, ओ तेरी लड़कियाँ लेके घूम रहे हैं भाई लोंडे, ओए होए होए। भाई यहाँ पे है मेरा नया अड्डा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे ना पूरा खाने का खुला रहता है। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे इतना खुला रहता है। हाँ हाँ बहुत, देखो धड़ाधड़ किसी को खाना है ना रात को तो 2400 घंटे यहाँ आ जाए करो। दिल्ली सबसे अच्छी जगह है, जैसे कि पंजाब में हम गए थे वो तो भाई हाँ सब बंद, कुछ नहीं मिलता था, पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे इतना लेट, बस ठेके बंद है वहाँ, ठेके खुले रहते थे या ठेके बंद है। अच्छी बात है भाई, इतने नशे करने भी नहीं चाहिए। हमारा भाई क्या हाल है, कैसे हो, बहुत दिनों बाद, खिलाओ यार अपनी मैगी, ये हुई ना बात, उछाल उछाल के फुल है। तो भाई जब भी मैं आता हूँ ना भाई पे मैगी जरूर खाता हूँ, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नीचे बैठते हैं, आओ यहाँ जरूर खाना भाई। आज याद कर रहे थे, हाँ हाँ सही है भाई, देख रही हो प्यार है लोगों के बीच में। कैसा है ना एक नंबर भाई, अब बना रहे हैं भाई मैगी, मैगी वहाँ बन गई है, और यहाँ पे अंडा ऐसे करके बुर्जी से बना लो, और ये अंडे उसमें डालेंगे मैगी में और फिर खाएंगे भाई, क्या मजा आ जाएगा भाई, है ना। मैं सीख के जा रही हूं। ये देखो ये मैगी में डल गया, ओए होए होए होए, अब मैगी टेस्ट करना मनीषा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भाई। ये बन गई हमारी अंडा मैगी भाई, कितनी सही लग रही है नी, मनीषा ने तुरंत ही उठा ली भाई, टेस्ट करो भाई। वो वाली जो ब्लॉग के लिए वेट करे, डालो मुंह में डालो, कैसी लग रही है। भोड़मपुर छोड़कर तो भाई रेलवे स्टेशन घूम रहे हैं, रात को 4-2 बज रहे हैं भाई, मैं आई हूँ गौरव को भोड़मपुर छोड़ने के, भाई के निवासी है, अभी प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं पागलों की तरह। गौरव तेरा फेवरेट जगह है रेलवे स्टेशन, तुम यहाँ जन्म लिए थे तुम रेलवे स्टेशन, ऐसे मैंने घूमने यहाँ ना आबादी होती है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है भाई। अभी तो कोई ट्रेन नहीं है भाई, यहाँ खाली पड़ा है, इस टाइम पे है ना, मतलब ट्रेन की स्मेल होती है ना, नहीं आ रही है यहाँ। हाँ बहुत साफ सुथरा भाई, ये कोना साफ है भाई, काया पलट गई। रेलवे स्टेशन जाती है ना मेरी नाक कैसे हो जाती है, कैसी हो जाती है, ऐसी पहले रहती है तुम्हारी। पीछे देखो कहाँ तक रेलवे स्टेशन है, पहले मैं और मेरे दोस्त इस पार्किंग में गाड़ी ला के मजे करते थे, वहाँ वो ऊपर है ना उसमें गाड़ी लगा लेते थे, हाँ हाँ पार्किंग है ना पूरी गाड़ियों की, तो आज नीचे तक चलते हैं। ये कहाँ जा रही है ट्रेन भाई दोस्त, अरे तेरी हक दिया भाई, ये शताब्दी लखनऊ जाने वाली है, जाओ भाई तेरी सो रहे हैं भाई सारे, बैठ जाओ भाई, आइसक्रीम आइसक्रीम मिली है भाई यहाँ तो देखना, मेरे को भी मिलेगी। ट्रेन तो साफ है यार भाई, साफ सुथरी है, बहुत वार्म है ना, हीटर वीटर चल रहा है। ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं भाई, वहाँ बचड़ हो गई थी, फिर मैं मनीषा को छोड़ के घर आ गया था, सो गया था, और आज अपन बना रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो नेक्स्ट व्लॉग एक गाड़ी के बारे में बताया अपन ने जो इंडिया में एक ही है, वो देखना कल वाले व्लॉग में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना ऐसे बढ़िया बढ़िया अपडेट देखने लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।